हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करना अभी थोड़ा कम इसलिए कर रखा है क्योंकि मैं लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा है। मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाने के लिए और आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता हूँ, बट यार थोड़ा सा आप भी समझें कि अभी जो चल रहा है मेरे साथ में बहुत ही मतलब हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, बहुत कुछ मैं फेस कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, पुरानी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जल्द ही लाइव क्लासेस मिलेगी दिवाली के बाद। 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारे कोर्सेज कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो आपके लिए अगर मुझे अभी तक छोड़ना होता ना तो अभी तक मैं वीडियोज़ अपलोड बंद कर देता या फिर मैं आपको ये बार बार नहीं बोलता कि लाइव क्लासेस लेके आऊंगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी तक भी लगा हुआ हूं, ठीक है। तो मैं अकेला बंदा हूं जो अकेला इतना कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं, बट थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है, तो आप इतना समझ जाएंगे आशा करता हूं, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ग्रुप डी वाले बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमारी प्रैक्टिस कराइए, जैसे आपने पहले कराई थी दूसरे बच्चों की भी। तो एक दो वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहूंगा, आप उनको देखते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी आपका एग्जाम में आया था ग्रुप डी के। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए प्लस वन चल रहा है, ठीक है। प्लस वन कैसे, मतलब पी में प्लस वन करेंगे तो क्यू, और आर में यानी कि नेक्स्ट वर्ड आपका चल रहा है, ठीक है, प्लस वन करेंगे एस, तो टी में प्लस वन करेंगे यू। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे वी एक्स जेड में प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे वी में हमने प्लस वन किया तो आपका क्या आ जाएगा नेक्स्ट, डब्ल्यू आ जाएगा, एक्स में नेक्स्ट वाई आ जाएगा और जेड से नेक्स्ट आपका ए आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई ए, तो यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसको डेफिनेटली करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये वाला संख्या आपको बतानी है यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाली संख्या बड़ी है सारी की सारी इनसे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस करके कुछ लिखा गया होगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लाई करके तो आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखूँगा तो 210 आ जाएगा, यानी कि 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या रखें कि यहाँ पे 36 आ जाए, देखिए 9 × 2 = 18। अगर यहाँ पे मैं 2 रख दूँ तो 18 × 2 = 36, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 रखेंगे तभी तो 18 × 2 = 36 होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस टाइप के ढेरों सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, जो बच्चे एग्जाम दे के आ चुके हैं, जो बार बार बोल रहे हैं कि आपकी रीजनिंग और मैथ की वीडियो में से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, उन सभी वीडियोज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से जाके उनको देख लीजिएगा, ठीक है। 15 वीडियो का क्रैश कोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आपको बताना है लूप संख्या, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये वाली संख्या बतानी है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे चार ऑप्शन है, 60, 62, 64 और 66, तो इनमें से बताना है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई प्लस ही चलेगा, ठीक है। ओब्वियसली सीधी सीधी सी बात है भाई, कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो नहीं चलेगा, डिवाइड भी नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 48, 8 × 6 = 64, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 64, यानी कि 64 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है ज्यूरिसप्रूडेंस, और यहाँ पे पूछा जाएगा, इसमें पूछा गया था आपके क्वेश्चन कि इन चारों में से कौन सा इसमें से नहीं बनेगा, यानी कि ज्यूरिसप्रूडेंस जो आपको ये वर्ड दिया गया है, इसमें से इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बनने वाला है। तो इसको आपको करने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन वन से स्टार्ट करिए और आपको क्या चेक करना है, देखिए पी यहाँ पे है, पी इसमें भी है, आर इसमें भी है, इसमें भी है, आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, एन इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ई भी है, ठीक है। तो ये वाला तो बन गया, पी आर पी इसमें भी है, ठीक है। दोबारा से हम कर लेते हैं, पी भी है, आर भी है, ठीक है, यू भी है, एन भी है और ई भी है, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। फिर आपका आता है सी, तो यहाँ पे देखिए पी भी है, आर भी है आपका, ई भी है, ठीक है, एस भी है और यहाँ पे आई भी है, सॉरी, ठीक है, आई भी है, डी भी है, ई भी है और एन भी है,
और टी भी है, सॉरी टी नहीं होता, जुरिस्प्रूडेंस में टी नहीं होता, इसका मतलब तो यही नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो हो ही जाएगा फिर। इसमें भी अगर देखें पी भी है, आर भी है, ई भी है, जे भी है, यू भी है, डी भी है, आई भी है, सी भी है, ई भी है, तो इसका मतलब यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आकृति से, यहाँ पे दिया गया नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से सही उत्तर का एक चयन करके प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। प्रश्न आकृति है आपकी यहाँ पे ये, और इसमें आपको बताना नेक्स्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नेक्स्ट उत्तर देखने से पहले भी ये फाइंड आउट करिए कि ये किस तरीके से आपका चल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बॉक्स है आपका यहाँ पे, ये ब्लैक कलर से ये है, ये यहाँ पे डॉटेड है और ये ब्लैक कलर का एक डॉट है, तो इसको 45 डिग्री पे आपका रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 45 अगर 90 डिग्री कर दूंगा तो पूरा रोटेट हो जाएगा, ये पूरा घूम जाएगा। अभी 45 डिग्री इसको घुमाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये इतना घूम गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 45 डिग्री घुमाया गया तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको 45 घुमाया जाएगा तो बीच में आ गया, फिर 45 घुमाया जाएगा तो ये फिर सीधा बॉक्स बन जाएगा और ये पोर्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको एक बॉक्स ऐसा देखना है जिसमें ये यहाँ पे हो, तो आपका आधा क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा आई थिंक। अगर इसमें देखिए ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, इसमें है बॉक्स, इसमें है। अब इन दोनों से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। अब इसमें भी अगर मैं बात करूँ, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे नीचे है, जबकि यहाँ पे नहीं हो सकता, ये बीच में है, मिडिल में है सारे के सारे, ठीक है। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपका ऑब्वियसली बात है सीधा सीधा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ भी नहीं देखना है, बस एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, जितने भी आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं बस एक पॉइंट को पकड़ के चलिए, उससे आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे नहीं होता फिर दूसरा पॉइंट उसके बाद देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बतानी है, इसमें देखिए 6, 12, 36, 144 इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखना है सबसे पहले तो कितनी स्पीड से इंक्रीज है। अगर बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चलता है, अगर इंक्रीज धीरे धीरे हो रहा है तो इसका मतलब कुछ प्लस चलता है, और आपका अगर स्क्वायर चलता है तो धीरे इंक्रीज होगा बट वो वहाँ पे आपको दिखेगा भी ये किसी का स्क्वायर चल रहा है, या फिर क्यूब चलेगा तब भी आपका इंक्रीज तो थोड़ा तेजी से होगा नंबर्स, बट वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि ये किसी न किसी नंबर के क्यूब्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये स्क्वायर क्यूब्स तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई नजर आ रही है। देखिए इसकी मैंने 2 में मल्टीप्लाई करी 6 की तो 12, 3 की करेंगे तो 36, 4 की करेंगे तो 144, फिर यहाँ पे 5 की करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 की कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4320। अगर मैं इसकी 7 में करूँगा तो अब कितना आएगा, इसकी 7 में मल्टीप्लाई करके देखिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 30240 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपने देखी होगी जो मैंने अभी आपको बोली कि नंबर्स देखने कितनी स्पीड से इंक्रीज हुए हैं, अगर बहुत जल्दी जल्दी नंबर इंक्रीज होते हैं ना तो वहाँ पे मतलब 99% चांस होते हैं कि मल्टीप्लाई ही चली है। फिर मल्टीप्लाई किस नंबर की चली है वो भी देखना जरूरी है, किसी बड़े नंबर की कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई चल रही है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे चला 2, 3, 4, 5, 6, 7 की, तो इस तरीके से चलेगी तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी इंक्रीज होती नजर आएगी आपको सीरीज, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए नेक्स्ट आपका है कथन निष्कर्ष से, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए गए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पे कथन क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आप मुझे लेट मिला था, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको शायद पेपर एनालिसिस में तो नहीं करा पाया हूँ, बट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस कई बार बाद में भी मिलते हैं तो मैं आप तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचा ही देता हूं, तो सारी वीडियोस को देखते रहा करें। कथन यहां पे दिया गया सभी कुत्ते बंदर हैं, कोई बंदर बिल्ली नहीं है। तो इसको सबसे पहले एक वेन डायग्राम में बना लेते हैं। सभी कुत्ते बंदर हैं, यानी कि आपने सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाया कुत्ते का, ठीक है, उसके ऊपर को बंदर का वेन डायग्राम लेके आ गए तो सभी के सभी कुत्ते आपके बंदर हो जाएंगे और कोई बंदर बिल्ली नहीं है। देखिए सेकंड वाली लाइन में बोला गया है कोई बंदर बिल्ली नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए बंदर वाला वेन डायग्राम ये हो गया, तो बंदर और बिल्ली का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से सो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। तो निष्कर्ष में क्या क्या है भाई, निष्कर्ष इसके चार निष्कर्ष हैं। यहाँ पे सबसे पहले कि कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई कुत्ता बिल्ली है, तो कुत्ता और बिल्ली के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बंदर और बिल्ली के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब ये कोई कुत्ता बिल्ली है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा आपका,
ठीक है, डेफिनेटली रॉन्ग है ये, क्योंकि कोई भी कुत्ता बिल्ली हो ही नहीं सकता जब बाहर जिसके, अब ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, अगर इनके बीच में, ये मान लीजिए कुत्ता और बंदर के बीच में थोड़ा सा समझने के लिए कि ये इसका पिता है, ठीक है, और इसके इसके साथ में लड़ाई हो गई, तो ये इसके साथ में इसके पिता के साथ में नहीं बोलेगा तो इसके साथ में कैसे बोल लेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। तो जब बाहर वाले के साथ में बोलचाल नहीं है, कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है, तो अंदर वाला तो कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है ये बिल्कुल सही कह सकते हैं हम, क्योंकि बंदर जब बिल्ली नहीं हो सकता तो कुत्ता भी बिल्ली नहीं हो सकता, इसको हम 100% बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड वाला, थर्ड सी पढ़ लेते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो जब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता तो सभी कुत्ते कैसे बिल्ली हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, तो इसको भी हम रोंग कर देंगे, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो चुका है, ये वाला राइट है। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें से एक हो गया है, तो बी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस टाइप की क्वेश्चन आप बिल्कुल भी छोड़ के मत आइएगा। अगर आपने मेरी रीजनिंग की सारी वीडियो देख रखी है तो रीजनिंग का आप चाहे किसी भी एग्जाम की एग्जाम देने जाएं, किसी भी एग्जाम का आप पेपर देने जाएं, मतलब किसी भी जॉब का, आप 100% सारी रीजनिंग कर लेंगे जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, और आगे भी इसी तरीके से आपका साथ देता रहूंगा। आप बस इस टाइम पे साथ दीजिए, थोड़ा सा जो टाइम चल रहा है ना मेरा, वो बस आप समझ जाइए, हर चीज़ बताई नहीं जा सकती, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से, तो इसको भी देख लेते हैं। स्पर्श मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पश्चिम की ओर चलेंगे, यहाँ पे कहीं से भी खड़े होकर चल दीजिए, बस पश्चिम की ओर चलना है। यहाँ से हमने चल दिया पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोलेगा, स्पर्श मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चला। तो बाएं मुड़कर यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़कर वो 25 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ से लेफ्ट लेगा, 25 किलोमीटर चला, यहाँ तक आ गया। ये देखिए, इस क्वेश्चन को ना, जब डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है उसको एक एक लाइन पढ़ते रहिए और करते रहिए, कभी गलत नहीं होगा। बाद में पूर्व की ओर मुड़ा, 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। चलिए, यहाँ से पश्चिम की ओर ये डायरेक्शन होती है, पूर्व की ओर ये हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, लेफ्ट साइड में मुड़कर फिर 15 चला। ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपकी 25 किलोमीटर की है, तो 15 इससे पूरे पार नहीं करना है आपको, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे बीच में गैप रखना है, ठीक है ना। 15 आप यहाँ तक चल लीजिए, यहाँ तक चल लीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 15 किलोमीटर वो चला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, दूरी तय की, तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो सीधी सीधी सी बात है भाई, अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 15 आ चुका है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 25 है, तो कितना डिस्टेंस बच गया, 10 किलोमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो ये आपका 10 किलोमीटर, वह मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यही राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, मैं समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से, और ये क्वेश्चंस आपके सारे के सारे, कुछ क्वेश्चंस तो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी आकृति धर्म, मस्जिद, मंदिर के मध्य संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है, ठीक है। ये वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन होता है, ये भी आपसे जरूर पूछा जाता है, एक तो जरूर पूछा जाता है, और इसी टाइप से के कुछ भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको देखना होता है कि कौन सा यहाँ पे सेटिस्फाई करता है एक वेन डायग्राम। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए, ये मस्जिद जो है मुस्लिम धर्म का एक पूजनीय स्थान है, एक मंदिर है ये हिंदू धर्म का एक पूजनीय, जहाँ पे पूजा होती है, जहाँ पे आप नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, ये दो स्थान है, दोनों के दोनों धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों आपके, ये तीनों चीज़ें रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। देखिए, दोनों के दोनों, मस्जिद और मंदिर अलग अलग चीज़ है, बट दोनों के दोनों धर्म में तो आते हैं ना, ठीक है। ये अलग धर्म में आती है, अलग धर्म में आते हैं, बात अलग है, बट ये दोनों के दोनों धर्म में आते हैं, यानी कि तीनों चीज़ें रिलेट करती है। तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम रिलेट नहीं कर रहा है तो उसको तो हटा देते हैं, जैसे ये वाला हट जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला वेन डायग्राम भी शो कर रहा है कि एक चीज़ को बिल्कुल अलग, तो ये भी हट जाएगा। अब ये वाला क्या कर रहा है यहाँ पे, कि जो कुछ मस्जिद, कुछ धर्म मस्जिद है, कुछ ये कुछ वाली कंडीशन तो कभी नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बचता है। इसका कैसे, ये कैसे राइट हो सकता है, यहाँ पे देखिए, मस्जिद और मंदिर दो अलग अलग धर्म के पूजनीय स्थान है, और ये दोनों के दोनों कवर कर देंगे हम किससे, धर्म से। तो दोनों के दोनों आपके अलग अलग धर्म में जरूर आते हैं, बट दोनों के दोनों अलग अलग धर्म में है, ठीक है। यानी कि दोनों अलग अलग धर्म में आते हैं, मस्जिद मंदिर, बट ये दोनों के दोनों धर्म है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियोस को यार ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक शेयर करिए, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि जो मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मतलब मुझे डिमोटिवेट करता है कि यार बच्चे तो इतने कम देखते हैं वीडियोज़ को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को भी बताएँ, और ये सारी चीज़ें बहुत मतलब सपोर्ट करती हैं, बहुत मोटिवेट भी करती हैं। और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाती है, डेली न्यूज़पेपर भी मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपके आपसे डायरेक्ट वहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट की PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको टेलीग्राम पे सर्च करके टॉपिक स्टडी ज्वाइन हो जाना है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और हाँ, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर ग्रुप D के किसी का एग्जाम बचा हुआ अभी ग्रुप D का, तो मैं सारे वीडियोस का लिंक नीचे दे देता हूं, आप उनसे पढ़ाई करिए। जिनका भी एग्जाम बचा है ऑल दी बेस्ट। आप मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि आप हमारे लिए वीडियोस नहीं बना रहे हो, आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो मैं आपके लिए हमेशा हेल्प करता आया हूं, हमेशा करता रहूंगा। बस आप थोड़ी सी बातें समझिए, जितने वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए उनको देखते रहिए, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। पेपर एनालिसिस की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको देख लीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। बस आप देखते रहिए वीडियोस को, ऐसे ही लाइक शेयर करते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।